प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं बंगाल की अहमियत और इसीलिए यहां पर जितनी संख्या में वो रैलियां करने वाले हैं उतनी बाकी राज्यों से की तुलना भी अगर आप करें तो उसे कहीं अधिक नजर आती है। 23 जिले जहां पर प्रधानमंत्री 20 रैलियां करने वाले हैं, यानी लगभग लगभग उनकी ये कोशिश है कि हर सीट को वो संबोधित कर सके। बंगाल के लोग बुद्धिमान है, बंगाल के लोग सोचने वाले लोग है, हर चीज की बारीकी से एनालिसिस करना बंगाल के लोगों का स्वभाव है। मैं देशवासियों को, बंगाल वासियों को, दुर्गापुर वासियों को हृदय पूर्वक बधाई देता हूं। मंच पर मोदी और मैदान में लोगों का सैलाब। राज्य कोई भी हो, चुनाव कैसा भी हो, अक्सर मोदी की रैलियों में उमड़ी भीड़ नए कीर्तिमान बनाती। मोदी का ये मैजिक पिछले कुछ सालों में बढ़ा भी है। ये वजह है कि बीजेपी ने जब बंगाल फतेह का मास्टर प्लान तैयार किया तो एक बार फिर इसकी अगुवाई पीएम मोदी के कंधों पर सौंपी। 2016 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 10 रैलियां की थी, जबकि इस बार दोगुनी यानी 20 रैलियां पीएम मोदी करने जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद रैलियों की ये संख्या सबसे ज्यादा है। यूपी विधानसभा में पीएम मोदी ने 23 रैलियां की थी, वहीं बिहार में 12, राजस्थान में 12 रैलियों से बीजेपी के लिए वोट मांगे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 10 और महाराष्ट्र में मोदी ने 9 रैलियों के साथ बीजेपी चुनावी घमासान में उतरी थी। एक एक बूथ पर कमल खिलाना है, आपका एक एक वोट मोदी के खाते में जाएगा। याद रखिए, याद रखोगे चूपे चाप कमल छाप, चूपे चाप बुत बुत से टीएमसी साहब। बंगाल में रैलियों की संख्या दोगुनी कर दी गई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी मिशन बंगाल को लेकर कितनी तैयारी के साथ मैदान में है। वैसे मोदी की रैलियों में उमड़ी भीड़ अक्सर वोट बैंक में तब्दील हो जाती है और इस बार भी बीजेपी इसी उम्मीद के साथ पीएम की ताबड़तोड़ रैलियों के साथ ममता को गद्दी से उतारने के इरादे से मैदान में है। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। करप्शन और टोलाबाजी तब हटेगी जब यहां आसोल परिवर्तन आएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 17 रैलियां की थी और बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 18 सीटों पर विजय हासिल की थी। वहीं 2019 लोकसभा में प्रधानमंत्री ने देश भर में 142 रैलियां की थी, जिसमें बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिली थी और पीएम का स्ट्राइक रेट करीब 77 का था। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा 23 रैलियां की, जो 118 सीट कवर करती थी, जिसमें 99 में बीजेपी को जीत हासिल हुई और जीत का स्ट्राइक रेट करीब 84 का रहा। लेकिन बंगाल में हालात उतने आसान नहीं है। यहाँ बीजेपी ने जमीन जरूर तैयार की है, लेकिन ममता के किले को ध्वस्त करना किसी चुनौती से कम नहीं। कोलकाता से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।